नमस्कार दोस्तों, ऑसम कलेक्टिव्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम फिर एक रोचक विषय के साथ आपके सामने उपस्थित हुए हैं। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि शुक्रवार के दिन आपको कौन से कार्य करने चाहिए और कौन से कार्य आपको बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए, वरना आपको आर्थिक हानि का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि इस तरह की रचनात्मक वीडियो आपको समय से मिलते रहें। दोस्तों, शुक्रवार का दिन माँ लक्ष्मी को समर्पित है। दोस्तों, शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना और व्रत किया जाता है और माँ का आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है, जिससे आप आर्थिक रूप से मजबूत होते हैं और आपको धन समृद्धि से जुड़ी सारी परेशानियाँ समाप्त हो जाती हैं। दोस्तों, हिंदू शास्त्रों में हर दिन किसी न किसी देवी देवता को समर्पित होता है, वैसे ही शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी को समर्पित होता है, ये तो आप जानते ही हैं। इसलिए शुक्रवार के दिन माता वैभव लक्ष्मी की पूजा और व्रत कथा बहुत सारी महिलाओं ने आपने करते हुए देखा होगा। और दोस्तों, ये भी आप जान लीजिए कि जिन महिलाओं ने इस व्रत को पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ किया है, उनकी आर्थिक परेशानी तो पूरी तरह से समाप्त हो गई है और वे आज अच्छी जीवन अपना खुशहाली के साथ व्यतीत कर रही हैं। दोस्तों, मान्यता है कि शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने से आपको धन की कभी कमी नहीं होती है, परंतु दोस्तों, आपको ये भी जानना आवश्यक है कि शुक्रवार के दिन आपको कौन सी ऐसी कार्यों को नहीं करना चाहिए जिनसे माता लक्ष्मी रुष्ट हो सकती हैं। दोस्तों, उनमें से सबसे पहला और महत्वपूर्ण जो बात है वो है कि आपको शुक्रवार को ना किसी को उधार देना है और ना किसी से उधार लेना है। जी हाँ दोस्तों, ये कार्य आपको शुक्रवार के दिन बिल्कुल भी नहीं करना है, वरना आप आर्थिक संकट में पड़ सकते हैं। दोस्तों, दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है कि आपको शुक्रवार के दिन इन लोगों का अपमान बिल्कुल भूल कर भी नहीं करना चाहिए, यदि आप माँ लक्ष्मी के भक्त हैं तो। दोस्तों, इस दिन आपको किसी महिला, किन्नर और कन्या का अपमान आपको बिल्कुल भी भूल से भी नहीं करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, महिलाओं, कन्या, किन्नर, इनका अपमान आपको करने से बचना चाहिए, क्योंकि माँ लक्ष्मी इससे बहुत ही नाराज़ होती हैं। जी हाँ दोस्तों, घर की स्त्री हो वो, उसको भी लक्ष्मी के रूप में ही देखा जाता है, तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। दोस्तों, तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है कि इस दिन आप घर में मांसाहार का सेवन बिल्कुल ना करें। जी हाँ दोस्तों, मांसाहार का सेवन करने से आपका घर तो अशुद्ध होता ही है, माँ लक्ष्मी भी नाराज़ हो जाती हैं, इसलिए शुक्रवार के दिन आप मांसाहार बिल्कुल भी नहीं खाएं। इस दिन आपको केवल सात्विक भोजन का ही उपयोग करना चाहिए या खाना चाहिए। दोस्तों, अगला जो महत्वपूर्ण है कि रात को आपको जूठे बर्तन तो वैसे भी किचन में नहीं छोड़ना चाहिए, परंतु अगर शुक्रवार का दिन है तो इस दिन आप खास ध्यान रखें कि घर में जूठे बर्तन रात को आप बिल्कुल भी ना छोड़कर सोएं, क्योंकि इससे माँ लक्ष्मी नाराज़ होती हैं और आप पे अपनी कृपा नहीं मिलती है, इसलिए घर में जूठे बर्तन बिल्कुल भी ना छोड़ें। दोस्तों, शुक्रवार के दिन जो है सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपको चीनी का दान बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, चीनी का संबंध शुक्र ग्रह से है, इसलिए आपको चीनी का दान इस दिन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। शुक्र ग्रह आपके भौतिक सुखों से संबंधित है, इसलिए आपको इस दिन चीनी का दान करने से बचना चाहिए। तो दोस्तों, आज हमने जाना शुक्रवार से संबंधित बातों को कि आपको कौन सी बातें नहीं करनी है। दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद। राधे राधे दोस्तों।